सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल इट्स मी लाउड। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो ये टाटा हैरियर XZ यानी टॉप वेरिएंट है टाटा हैरियर का, उसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके बारे में मैं आपको पूरा इसको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों मैं यहाँ से इस साइड RPM मीटर से शुरू करता हूँ। सो ये आपका RPM मीटर है, ये आपको पूरा डिजिटल में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मतलब जो आपकी नीडल है वो इसकी तरह नहीं चलेगी, यहाँ पे आपको बिल्कुल जो डिजिटल होता है वो चलेगा। मैं आपको स्टार्ट करके गाड़ी दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि जो आप थोड़ी एक्सेलरेट करता हूँ मैं गाड़ी को, सो ये आपको जो है ये डिजिटल वाइज आपको ऊपर ऊपर RPM बढ़ेगा। सो ऐसे ही आपका जो मैंने आपको ये पूरा बताया ये आपको मिल जाएगा। सो ये आपका जो हीट कोल्ड होता है जो आपका इंजन का होता है वो बता देता है। सो ये आपका जो टेम्परेचर होता है जो आउटसाइड टेम्परेचर है वो दिख जाएगा। ये आपको जो आपका टाइम है जैसे 10:28 है ये टाइम बता देगा। ये आपका जैसे आप ब्लूटूथ या नेविगेशन कुछ भी इसमें कनेक्ट करोगे वो आपको इसमें शो हो जाएगा। सो ये आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी मतलब जो आपका फ्यूल है मतलब गाड़ी में कितना फ्यूल अभी है। सो जैसे अभी ये 403 किलोमीटर गाड़ी अभी और चल सकती है। सो ये आपका ऑडियो ऑडोमीटर हो गया मतलब गाड़ी अभी 17,276 किलोमीटर गाड़ी चली है। सो फिलहाल ये आपका जैसे जो आउटसाइड की जो DRLs होते हैं उसकी लाइट है, ये आपकी इग्निशन यानी जो गाड़ी है अभी इग्निशन में है। सो ये आपका इंजन का है जैसे अभी गाड़ी इग्निशन में, तो ये जो लाइट्स होती हैं इंडिकेशन लाइट्स ये आपको दिख जाएंगी। सो ये आपका स्पीडोमीटर हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। जो ये है ये मैनुअल होता है मतलब जो एनालॉग टाइप होता है ना नीडल वाला, कि ये आराम आराम से जब भी आप जैसी स्पीड दोगे उसी के हिसाब से जो ये नीडल है ये घूमेगी। सो ये आपका जो ड्राइविंग मतलब जो पैसेंजर साइड का तो अलग आता है, जो ड्राइविंग सीट वाला होती है सीट बेल्ट उसकी इंडिकेशन है कि आपने जो सीट बेल्ट है वो नहीं पहन रखी। सो ये आपका हैंड ब्रेक है, जैसे मैंने हैंड ब्रेक लगा रखा है तो वो जो हैंड ब्रेक का है सिंबल वो इसमें दिख जाएगा। सो ये आपका बैटरी का है, जैसे इग्निशन में जो बैटरी का है ऑप्शन आपको दिख जाता है। इसमें जो ये फीचर है इसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो ये मैंने डिस्टेंस 20 ये मैंने आपको बता दिया था कि ये फ्यूल का है कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है। सो यहाँ पे आपको एक हैरियर का लोगो भी मिल जाता है, जो गाड़ी का बाहर से लुक है 3D लुक वो भी आपको इसमें मिल जाती है। सो मैं इसका नेक्स्ट में जाता हूँ। सो ये आपका पावर और टॉर्क का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप जितनी रेस दोगे उसी के हिसाब से आपको जो पावर आपको गाड़ी कंज्यूम करती है वो आपको इसमें शो हो जाएगी। सो मैं नेक्स्ट करता हूँ। सो जो आपका ट्रिप ए है मतलब जैसे जो ट्रिप बी होते हैं, ट्रिप ए जैसे दो ट्रिप हम रीसेट कर देते हैं, सो ये ट्रिप बी जैसे इसमें चलिए 8,804 किलोमीटर और जो एवरेज हमको मिल रही है माइलेज मतलब वो 15.4 किलोमीटर पर लीटर है, ये आपको शो हो जाती है। और जैसे टाइम कितने टाइम में ये गाड़ी चली है जैसे ये आपको पूरा दिख जाएगा। सो ये जो एवरेज स्पीड इस गाड़ी जैसे लोकल में ही चली है तो ये जैसे 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये गाड़ी लोकल में चली है। सो अब मैं जो नेक्स्ट है वो ए आ गया है। सो अब जैसे आप देख सकते हैं ट्रिप ए में 515.2 किलोमीटर गाड़ी चली है और जो टाइम है वो 11:35 के अंडर चली है और जो ये एवरेज स्पीड है मतलब जो गाड़ी की एवरेज चली है वो 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चली है और जो हमको एवरेज हमको इस गाड़ी में मिली है वो 14.6 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आपको मिली है। सो ये था इसका। अब मैं आपको जो नेक्स्ट है वो वापस दिखा देता हूँ। सो ये अब आपको मिल जाता है इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी की, जैसे कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हो ड्राइव कर रहे हो सो जो आपको एवरेज मिल रही है मतलब जो फ्यूल इकोनॉमी आपको उस लिमिट में मिल रही है मतलब जैसे आप एक्सेलरेट करोगे उसी के हिसाब से आपको जो बेस्ट है वो 20 तक ही मिलती है। जैसे जो 40-50 पे जाओगे आप तो जो आपकी एवरेज है वो 20 पे आ जाएगी। सो ये आपको इसमें पूरे में दिख जाएगा। सो मैं नेक्स्ट करता हूँ। सो ये आपको वापस अगेन डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको शो हो जाएगा कि जो मैंने आपको पहले बताया ही था। सो ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था इसके बारे में मैंने आपको आज पूरा डिटेल में बता दिया है। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ में जो इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट है उसको फॉलो करें, यूज़र नेम आप अपनी स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं। उसमें मैं जो डेली अपडेट्स होती हैं स्टोरीज वो मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।